गुड मॉर्निंग नाइन क्लास. वी हैव कंप्लीटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो अब उसके बाद जो मेन टॉपिक आना है दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. लेकिन न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज लीनियर मोमेंटम. ठीक है, लीनियर मोमेंटम जैसे हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी होती है, सिमिलरली लीनियर मोमेंटम भी होता है. ठीक है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है ये भी. लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दो. ठीक है, इन द फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, मान लो आपके पास दो बॉल्स हैं. ठीक है, एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है. दोनों ही बॉल्स जो है कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही, दोनों की वेलोसिटी सेम है. ठीक है, सेम वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन एक का मास कम है, दूसरी का मास ज्यादा है. अब आपने इनको रोकना है या इनकी वेलोसिटी को कम करना है, ठीक है, स्टॉप करना है, कुछ भी करना है. ठीक है, तो आपको किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने की कंडीशन ले लेते हैं. मान लो स्टॉप करना है, तो इससे और इसमें से किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि वो बॉडी स्टॉप हो जाए. ऑब्वियसली जो मास ज्यादा है उस पर मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उस स्टॉप करने के लिए एज कम्पेयर टू कम मास वाली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो मैंने फोर्स लगानी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दोनों बॉडीज का मास सेम ले लिया, लेकिन एक जो है वो वेलोसिटी यू से जा रही है, दूसरी वेलोसिटी वी से जा रही है. ठीक है, अब मान लो कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो मोर है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है. अब दोनों बॉडी सेम मास वाली हैं, दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, इनको रोकना है मैंने, तो जिस चीज की वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, जिसकी वेलोसिटी कम है वो कम फोर्स लगा के रुक जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे मुझे क्या पता चलता है कि इवन द मासेस आर सेम, फोर्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, जिसको यू या वी लिख लो. ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो दोनों केसेस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को रोकने के लिए दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आएगी जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, दो जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज दो हैं उनको प्रोडक्ट ले रही हूं. कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मास एंड वेलोसिटी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट्स की. सबसे पहले एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मास क्या है एसआई में, किलोग्राम. वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड. तो ये होगी पूरी यूनिट क्या होगी, इसकी और इसकी दोनों की मिला के पूरी यूनिट क्या आ जाएगी, लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अगर मैं वैसे यूनिट की बात करूं तो मास को मैं ग्राम में ले लूं, इसको सेंटीमीटर में, इसको पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है दैट इज द दिस लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. को आप ऐसे भी लिख सकते हो या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों ही जो चीजें हैं दोनों ही ठीक है. ठीक है, कंसेप्ट क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई. ठीक है, एंड क्या आ गई, यूनिट आ गई. दिस वाज योर टॉपिक 3.8. ठीक है, 3.8 के बाद अब हम करेंगे 3.9 टॉपिक. ठीक है, इसमें हम ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, केसेस को लेके. ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. ये तो मैंने पिछले में फाइंड लिख लिया है. लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, जिसको पी से एक्चुअली इसको डिनोट कर लिया, पी से. लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, अब देखो लीनियर मोमेंटम तो ये आ गया. अगर मैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम करूं, पी लिखा, मैं जहां पे भी पी लिखूंगी उसका मतलब है लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब अगर मैं लीनियर मोमेंटम को चेंज करने की बात करूं, लीनियर मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. लीनियर मोमेंटम चेंज कब होगा, जहां तो मास चेंज हो, जहां तो वेलोसिटी चेंज हो,
या दोनों ही चेंज हो तब लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, हम अगर एक बॉडी ले लें, सिंपल एक बॉडी, ठीक है, उसका मास, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी यू से जा रही है, बाद में मैंने वही बॉडी ले ली और वेलोसिटी वी से जा रही है, मास तो बॉडी का सेम रहा। अगर मैं एक बॉडी की बात करूं तो उसमें मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास बाहर आ गया, अंदर क्या गया? चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये वन ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, वन बॉडी की, ठीक है, जिसका मास तो एक ही रहेगा क्योंकि वो सेम बॉडी ले रहे हैं हम। ठीक है, सो चेंज को मैं क्या लिख दूंगी? डेल्टा पी। इसका मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मास ऐसे ही आ गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? फिर डेल्टा, डेल्टा मतलब ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इन द केस ऑफ अ वन पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, अब स्पेशल केसेस ले लो, मैं इनमें से ग्राफ प्लॉट करनी है, मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं स्पेशल केस ले रही हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट केस मैंने स्पेशल केस लिया है उसमें मैं ले रही हूँ, ये तो साइड रख दो एक बार, स्पेशल केस मैंने लिया है। अब इन सारे केसेस में मैं दो बॉडीज की बात करूंगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्पेशल केस लिया है उसमें मैंने लिया है कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, दो बॉडीज है मेरे पास। ठीक है, यहां पे भी आपने मैंने बोला था ना, एक ही बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही तो मास कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं दो बॉडीज ले रही हूँ। ठीक है, अगर ऊपर भी आप दो बॉडीज की बात ले रहे हो तो आप बोलोगे दोनों बॉडीज का मास सेम है। ठीक है, सेम मास के केस में ये वाला आता है कॉन्सेप्ट, ये वाला।